दिल्ली में सिख ऑटो ड्राइवर और उसके बेटे के साथ पुलिस द्वारा मानवीय व्यवहार किए जाने को लेकर न्याय की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुखविंदर नारा के नेतृत्व में अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की है कि एक सिख की दस्तार का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामला नस्ल और धर्म के खिलाफ घृणा का भी लगता है, जिसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। दिल्ली में अभी एक घटना घटी है जिसमें एक सिख ऑटो चालक और उसके मांगे बच्चे को पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, सिख की दस्तार का अपमान किया गया, उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया कि अगर आप घटना को देखें तो ऐसा लगता है कि उस पर एक जानलेवा हमला पुलिस द्वारा किया गया। इस घटना से पूरा समाज, हर वर्ग का आदमी स्तब्ध है कि पुलिस से इस तरह की घटनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि किसी नागरिक के साथ पुलिस ने इस तरह का व्यवहार किया तो सभी नागरिकों को सामने आना चाहिए। आज हम न केवल सिख समाज के लिए बल्कि इस देश के हर उस नागरिक के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसके साथ अन्याय और अत्याचार है, वो इजाद किया जाए। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, जो ऑटो चालक है, उसका बेटा है, उसको उचित मुआवजा सरकार दे और दिल्ली में रह रहे सिखों के अधिकारों की रक्षा करे, इस बात को सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही जो सबसे बड़ी मांग हमने की है वह ये है कि इस देश का जो गृह मंत्री है, इसके तहत दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है, पूरे देश की कानून व्यवस्था आती है, वो अपना काम करने में, अपनी ड्यूटी निभाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। घटना के दौरान, घटना के बाद जो गृह मंत्री का रोल रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, संदेह के दायरे से बाहर नहीं है। ऐसी दशा में नैतिकता के आधार पर हमारे देश के गृह मंत्री को इस घटना के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।